बीजेपी सांसद और WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया सामने, बोले नार्को टेस्ट कराने के लिए हैं तैयार। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान आज दोपहर को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की 200 करोड़ रुपए की मानहानि याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। IPL 2023 के आखिरी लीग यानी कि 70वें RCB में शानदार बल्लेबाज विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ शतक जड़कर रचा इतिहास। कोहली ने पूरा किया 7वां शतक। हैदराबाद से जुड़ा मामला आया सामने, डिलीवरी बॉय पर कुत्ते ने किया हमला, तीसरी मंजिल से कूदने पर डिलीवरी बॉय हुआ घायल। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भूकंप के झटके, 4.5 स्थिति भूकंप। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार की आलोचना करा पड़ा महंगा, स्कूल टीचर हुआ सस्पेंड। राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर निलंबित, ACB के छापे में मिले थे 2.3 करोड़ रुपए। बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के CM जेम्स मारापे के साथ द्विपक्षीय की बैठक।